हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक के जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जो हाल ही में, उनको हम लोग देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगा। तो इसमें हमने 18 से 20 प्रमुख नियुक्तियों को लिया है जो एक महीने में हाल ही में चुने गए हैं। और इस तरीके से क्या होगा ना, छोटे वीडियो बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप जल्दी से आप रिवीजन कर लेंगे। जैसे मैंने ये सारा नियुक्तियाँ कराया हुआ है, आपको जो डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं उसमें सारी ये नियुक्तियाँ कराई गई, कोई ऐसी नियुक्ति नहीं है जो कराई नहीं गई। लेकिन एक सेपरेट वीडियो बना देने से, एक चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज वीडियो बना देने का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं। तो इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो करके जितनी भी इम्पॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक वाइज करंट अफेयर को छोटे छोटे पार्ट में हम लोग करके रिवीजन भी करेंगे। उससे आपको नोट्स बनाने में भी कठिनाई नहीं होगी। और ये जो इसका जो पीडीएफ आपको जब मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल में, तो इसको आप ले कर रख लेंगे तो आपका एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपके पास रहेगा, तो उससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है तरुण कपूर को। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में ना मात्र मैंने वही उन्हीं लोगों की नियुक्तियां लिया है जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे प्रश्न बनेगा, ठीक है। उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्तियों जो हाल ही में नियुक्त हुए, उन्हीं को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिए। इसका जो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल पे, उससे वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। एक बार ऑलरेडी जो डेली करंट अफेयर चलता है उसमें तो हम लोग पढ़े ही हैं, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ाने का ये रहेगा कि आपका रिवीजन भी होगा और आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेजन के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया एंडी जेसी को। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एंडी जेसी जो है, जो वॉरेन बफेट को हटा के इनको CEO बनाया गया है, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जियो सावन के CEO किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सहस मल्होत्रा को। आप इन्हें भी याद रखिएगा कि सहस मल्होत्रा को जियो सावन के CEO बनाया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरग्लोब एविएशन ने किसे अपना निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है वेंकटमणि सुमंत्रण को। इनका नाम क्या है? तो वेंकटमणि सुमंत्रण को इंटरग्लोब एविएशन ने अपना निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है अरविंद कृष्ण को। यानी कि अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए चुना गया है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है संजीव कपूर को, ठीक है। यानी कि संजीव कपूर को भारतीय वायुसेना का महानिदेशक बनाया गया है। आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अल्केश कुमार शर्मा को। क्या नियुक्त किया गया अल्केश कुमार शर्मा को? तो अल्केश कुमार शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राजीव कपूर को। आप इन्हें याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजीव कपूर को हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, और ये चौथे चुनाव आयुक्त हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि राजीव कुमार जो है, जिनको हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, यह चौथे नंबर के मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आप ये कमेंट करके हमें बताएंगे। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संजीव बजाज को। और ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरईसी लिमिटेड के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है विवेक कुमार देवांगन को, ठीक है। विवेक कुमार देवांगन को
हाल ही में REC लिमिटेड के नए CEO नियुक्त किया गया है, आप इन्हें भी याद रखिएगा। और हमारा अगला है कि हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है मणिक साहा को हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में एयर इंडिया असेट होल्डिंग के CMD किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है विक्रम देव को। तो इन्हें भी याद रखिए कि विक्रम देव को हाल ही में एयर इंडिया एसेट के होल्डिंग के नए CMD नियुक्त किया गया है। और उसी तरीके से हमारे अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया है मनोज पांडे को, यानी कि मनोज पांडे जी को भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया पल्स ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया है, तो यह बनाया है बिमल कोठारी को, यानी बिमल कोठारी को हाल ही में इंडिया पल्स ग्रेन्स एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय सेना के सह सेना प्रमुख किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है BS राजू को, यानी BS राजू को भारतीय सेना के सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को, यानी कि विनय मोहन क्वात्रा को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीबीएसई बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है निधि छिब्बर को। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया निधि छिब्बर को। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो में हम लोगों ने एक महीने के यानी कि 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं उनसे संबंधित वीडियो। इसी तरीके से हम लोग पार्ट वाइज में सारे करंट अफेयर का टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहेंगे, तो आप हर तरीके से रिवीजन को मतलब करंट अफेयर को मैं ऐसा लपेट दूंगा कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस ईमानदारी से आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जितना कराया जा रहा है, जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, चाहे वो करंट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका बाल मनोविज्ञान हो, चाहे वो मैथ हो, जो भी जितनी भी क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएगी, अगर आपने ईमानदारी से उसको पढ़ लिया, उसका रिवीजन कर लिया, तो मैं दावा करता हूँ कि सुपर टेट में आपका सिलेक्शन ही होगा, उसके अलावा किसी का नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि बहुत ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, एकदम आम भाषा में, आम लैंग्वेज में, बिल्कुल एकदम फैमिलियर लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए चीज़ों को बार बार रिपीट करते हुए। मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करे, जिससे आपके दिमाग में वो क्वेश्चन, वो आंसर छप जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।